प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा शुरू किए गए महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क की कमान सौंपी गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वाराणसी पहुंचे। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका काशी एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अभियान की शुरुआत बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन के साथ होगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वाराणसी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार 3 जून को सुबह आजमगढ़ सर्किट हाउस पहुंचेंगे। बाबा भैरवनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही वे आजमगढ़ के होटल में प्रेस से वार्ता करेंगे। उसके बाद दोपहर में नेहरू सभागार आजमगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन में वरिष्ठ नागरिकों के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के विकास कार्यों को लेकर उन्हें जागरूक करेंगे। इसके बाद श्रीमन मंगलम हॉल में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में रखकर कैसे जनता को जागरूक किया जा सकता है, इस बारे में भी मीडिया वॉलंटियरों के साथ चर्चा करेंगे। शाम को लोकसभा क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों के घर जाकर उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। इस दौरान उनके साथ आजमगढ़ बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।